एक बात और अगर हवाला ही देना है तो मैं कहूंगा कि सलफ यानी सहाबा में से, ताबीन में से 300 सदी हिजरी, जिनको हम सलफ का सबसे बेहतरीन दौर मानते हैं, इस दौर में कोई एक शख्सियत आप बता दें जिसने ये कहा हो कि बागी गिरोह मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह है। कोई एक हवाला बता दें किसी एक ने कहा हो। और हम इसी तीसरी सदी हिजरी से अगर हवाला दें तो इमाम दुहैम रहमहुल्ला, जो सहीहैन के रावी हैं, और उनकी खास बात यह है कि वो अहले शाम की तारीख के एक्सपर्ट हैं, शाम की जो तारीख है उसके वो बड़े माहिर हैं, बहुत ही माहिर हैं। तो उन्होंने जो उनसे जब ये बात की गई, उनसे किसी ने कहा कि क्या अल्फियतुल बागिया का गिरोह, क्या रवायत के अल्फाज क्या है, ये इमाम खतीब बगदादी ने नकल किया है, इसी तरह से इमाम इजली ने सिकात में नकल किया, बिल्कुल सही तरह से साबित है कि उनके सामने कहा गया अल्फियतुल बागिया तो हम आहलु शाम, कि क्या बागी गिरोह ये शाम अहले शाम है। फकाल, तो उन्होंने क्या कहा, मन काला हादा फवा इब्नुल फाइला, जो ये कहे कि बागी गिरोह शाम का गिरोह है यानी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह है, फहुआ इब्नुल फाइला, तो वो फाहिशा की औलाद है। इतना सख्त बोला ये, बिल्कुल जैसे ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब किसी ने कह दिया कि तुम नबी का साथ छोड़ दोगे तो कहा उमसुस बदर अल्लाह, या लात शर्मगाह का, लात की शर्मगाह का चमड़ा जाके चूस। तो इतना जो सख्त बोल दिया था, ऐसे इन्होंने भी सख्त बोला, कहा कि जो अहले शाम को बागी कहता फहुआ इब्नुल फाइला, वो फाहिशे की औलाद है, वो नाजायज औलाद है जो है। तो ये इतना सख्त कमेंट किया इमाम दुहैम। इमाम दुहैम कौन है, इमाम दुहैम ये इमाम अबू याला खलील ने क्या लिखा है इनके बारे में, इनके बारे में कहा कि आदो हुफादिल अइमा मुत्तफकुन अलैह, कि ये मुत्तफक अलैह हैं यानी इनकी इमामत पर सबका इत्तेफाक है। और इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान ने कहा मिनल मुत्किनीन, या इमाम मुत्किनीन में से हैं, अल्लदीन यहफदून उलमा अहले बलदी, तो ये अपने पूरे शहर की, अपने पूरे इलाके की तारीख इनको मालूम है। और इमाम अबू दाऊद क्या कहते हैं, दुहैम हुज्जतुन लम यकुम बिदिमश फी जमान ही मिसलो, इनके दौर में दिमश्क में शाम में इनसे बड़ा कोई आलिम था ही नहीं। तो इतने बड़े आलिम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अहले शाम को अगर कोई बागी कहता है तो वो फाहिशे की औलाद है। और आप इस दौर में किसी का नाम बता दें कि जिसने कहा हो कि अहले शाम जो है बागी है, ये जो कहने वाला था मजहूल अननोन है, इसका कोई नाम निशान मजकूर नहीं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर अननोन के हवाले से कोई बात आती है तो वो खुद एक दलील है कि उसकी कोई कोई सरपर नहीं है। तो इमाम दुहैम एक नाम है, उनके उनका एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त, उनका एक बायोडाटा है कि वो ही कह रहे हैं कि अहले शाम नहीं थे। लेकिन जो कह रहे थे अहले शाम बागी है, ये कौन है, ये तो कोई अता पता ही नहीं लोगों का। तो अगर शख्सियात की आप बात करेंगे तो हमारा मनहज क्या है कि हम सलफ को सबसे मुकदम करते हैं, सलफ की राय को, सलफ के मनहज को, सलफ के फहम को सबसे मुकदम करते हैं। तो सबसे पुराना जो फहम है, सबसे पुरानी जो तशरीह है, सबसे कदीम जो तशरीह है, वो इमाम दुहैम की है, और वो अहले शाम को बागी मानने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा आप सही बुखारी की शुरुआत देखते हैं, आप सही बुखारी की शुरुआत जो पुरानी शरह है, पुरानी शरहों में आपको यही मिलेगा कि वो सहाबे किराम को मानने के लिए तैयार नहीं है, कि सहाबे किराम नहीं हो सकते, पुरानी शरह आप उठा के देखेंगे। जिसमें इस रिवायत में यह है कि हजरत इब्ने अब्बास ने कहा था कि जाकर के खवारिज के बारे में मालूम करो, हाँ, और उस पर अबू सईद खुदरी ने सुनी, तो ये भी कदीम है, सहाबा का हवाला मौजूद है ना इस मामले में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो फिर शानिल खवारिज के अल्फाज भी हैं, जैसे तो ये समझ में बिल्कुल ये हदीस, हाँ बिल्कुल ये हदीस, और जैसे और भी कई हदीस मैंने बहुत डिटेल में पेश किया है, जो मेरा लेक्चर है आप हदीसे अम्मार और बागीरो, उसका टाइटल है हदीसे अम्मार और बागीरो, लेक्चर नंबर 24, मेरा नाम लिख के सर्च करें आपके सामने ये लेक्चर आएगा, इसको पूरा डिटेल में आप सुने, फिर कोई शुभा रह जाए तो आप आके हमारे सामने पेश करें। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।